तो आज हम लोग बात करेंगे CRPF के बारे में, ठीक है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक CRPF का लोगो है जो कि ब्लू फ्लैग के ऊपर प्रिंटेड है, ठीक है। तो ये CRPF का लोगो है जो कि ब्लू फ्लैग के ऊपर प्रिंटेड है, ठीक। अब बात करते हैं CRPF के बारे में, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि भारत का सबसे बड़ा सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स में आता है। CRPF के पास फिलहाल 246 बटालियंस है और बहुत अलग अलग तरीका का इस्टेब्लिशमेंट है जो कि CRPF के अंतर्गत आता है। और ये एक इंडिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स है, जिसका मोर देन तीन लाख पर्सनल्स, मतलब 3 लाख कार्यकर्ता अभी काम कर रहे हैं CRPF में 2019 के लगभग में। अब बात करते हैं इसका मोटो क्या है। इसका मोटो है सर्विस और लॉयल्टी, ठीक है। ये कब बना था? ये बना था 27 जुलाई 1939 को। किसके अंतर्गत आता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके अंतर्गत कुछ कुछ एजेंसीज हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कोबरा, ठीक है, रैपिड एक्शन फोर्स, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप और पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, ठीक है। इसका वेबसाइट है www.crpf.gov.in, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मिशन के बारे में। इसका मिशन क्या है? तो CRPF का मिशन है कि गवर्नमेंट को हेल्प करना किसमें? रूल ऑफ लॉ, जैसे कि कानून का रूल को लागू करने में, पब्लिक ऑर्डर लागू करने में, और अगर कुछ भी अगर दिक्कत हो गया तो इंटरनल सिक्योरिटी लागू करने में, ठीक है, नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करने में, उसको प्रिजर्व करने में, उसको रखने में, और सोशल हार्मनी मतलब सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट है, सुप्रीमेसी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल देश है हम लोग, तो उसको अपहोल्ड करने में, उसको सुरक्षित रखने में, ठीक है। CRPF जब अपना काम करता है तो उसमें ह्यूमन डिग्निटी का, मतलब जो ह्यूमन राइट्स है, जो एक नागरिक का मेन बेसिक अधिकार है, उसको एकदम से केयर करता है उस पर, ठीक है, ताकि उसका बेसिक अधिकार कोई भी हनन नहीं हो और भारत के जो सिटीजन्स हैं उसको पूरा फ्रीडम हो, ठीक है। CRPF जो है उसका वो मैनेजमेंट करता है। किस चीज़ का मैनेजमेंट करता है? तो इंटरनल सिक्योरिटी का, जैसे बताए, और नेशनल कैलेमिटीज़ अगर कभी आ जाए, मतलब डिज़ास्टर, जैसे कि अभी केदारनाथ में जो डिज़ास्टर हुआ था उसमें भी CRPF मदद किया था, ठीक है। और उसका एक मोटो है कि सर्विस और लॉयल्टी जो है वो आगे रखना है, अपने आप को बाद में रखना है, मतलब सेल्फिश नहीं होना है, ठीक है। अब हिस्ट्री का अगर बात करें तो CRPF जो है वो CRP से बना है। CRP क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, जो कि 27 जुलाई 1939 को बना था, जिसके साथ 2 बटालियंस था, पहला नीमच में और दूसरा मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसका मेन काम क्या था उस समय? इसका मेन काम था कि जो ब्रिटिश रेसिडेंट है उसको सुरक्षित रखना, किससे? तो इंडियन सब्जेक्ट से, मतलब जो इंडिया का जो रेसिडेंट है, अगर वो ब्रिटिश रेसिडेंट पर गुस्सा हो गया और उसको मार दिया तो उसको बचाव कौन करेगा? CRP, मतलब क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, उस समय का बात है, ठीक है। फिर 1949 में जब देश आज़ाद हुआ तो 1949 में CRP का नाम चेंज करके CRPF एक्ट के अंतर्गत उसका नाम कर दिया गया CRPF, ठीक है। उसके बाद 1960s में बहुत सारा स्टेट के पास जो पुलिस बटालियंस था उसको CRPF में मिला दिया गया, ठीक है। CRPF जो है वो एक्टिव है, किसके लिए एक्टिव है, किसके खिलाफ एक्टिव है? तो फॉरेन इन्वेजन, मतलब अगर कोई विदेशी आक्रमण करे तो उसके खिलाफ भी एक्टिव रहेगा, और अगर कोई भी इंटरनल डोमेस्टिक इंसर्जेंसी, मतलब भारत के अंदर कोई रिबेलियन करेगा, अगर कोई विद्रोह करेगा तो उसके खिलाफ भी ये CRPF काम करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो CRPF का जो रोल है वो इंडिया में तो है ही, साथ में इंडिया के बाहर भी बहुत जगह पर ये काम कर चुका है। जैसे कि CRPF श्रीलंका में भी गया था एज पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि राजीव गांधी के टाइम में गया था, ठीक है। ये UN पीस कीपिंग फोर्स के रूप में नेमीबिया, सोमालिया, हेती, मालदीव्स और बोस्निया में भी ये काम कर चुका है, ठीक है। और ये सब काम करने के बारे में CRPF का एबिलिटी और उसका एजिलिटी, जो जिसका क्षमता है काम करने का, वो अलग अलग दिशा में जो काम कर सकता है,
और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, किसी भी झगड़े का सिचुएशन में ये कैसे अपना अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है वो पूरा दुनिया देख चुका है। ठीक है, अभी फिलहाल 240 कर्मचारी का रैपिड एक्शन फोर्स कोसोवो में काम कर रहा है, जो कि यूएन का मिशन के अंतर्गत काम कर रहा है। ठीक है, अब ये क्यों काम कर रहा है, ये काम कर रहा है क्योंकि यूएन ऑफिशियल्स को, यूएन सिविल पुलिस को और क्राउड कंट्रोल में ये काम करता है फिलहाल। ठीक है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो लोकल पुलिस के साथ मदद करके ये कंट्रोल कर रहा है, जो उसका भीड़ जो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती है भीड़, उसको ये कंट्रोल कर रहा है, और ये जो अलग अलग ह्यूमैनिटेरियन रूप में ये उसको मदद पहुंचा रहा है। ठीक है, कौन, रैपिड एक्शन फोर्स जो कि पार्ट है सीआरपीएफ का। ठीक है, अब बात करते हैं उसका रोल और स्ट्रेंथ के बारे में। फिलहाल सीआरपीएफ के पास 2010 के बारे में बात किया जा रहा है, तो 2010 के लगभग में सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, ये भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में देखता है, जानता है। ठीक है, उसको उसके बारे में समझता है, अगर कहीं पर कुछ दिक्कत हो तो उसको ताबड़तोड़ रूप में सॉल्व भी करता है। ठीक है, ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में काम कर चुका है, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो कि श्रीलंका के लिए गया था उसमें भी ये काम कर चुका है। ये अलग अलग तरीका का अपना ड्यूटीज़ दे चुका है, जैसे कि वीआईपी सिक्योरिटी जो कि इलेक्शन ड्यूटी होता है, वीआईपी सिक्योरिटी दे चुका है, इलेक्शन ड्यूटी दे चुका है, और अलग अलग इंस्टॉलेशंस पे ये काम कर चुका है। नक्सलवाड़ी जो ऑपरेशन होता है उसके अगेंस्ट भी ये काम कर चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका टॉप का अधिकारी कौन कौन है। ठीक है, तो सीआरपीएफ सबसे पहले हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल से, जो कि एक आईपीएस होता है। ठीक है, इसको फिर 10 सेक्टर में, 10 एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर 10 सेक्टर में इंस्पेक्टर जनरल होता है, मतलब ये डायरेक्टर जनरल और इसका 10 आदमी। ठीक है, और ये सबका हेड है कौन कर रहा है, इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, अब जो हर 10 सेक्टर है उसमें से एक या एक से अधिक एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल रेंज होता है। ठीक है, अब उसको कौन हेड करता है, उसको हेड करता है डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, क्लियर, तो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल, फिर इंस्पेक्टर जनरल 10 को हेड करता है, और 10 के अंडर जो भी आएगा, एक या दो या फिर 5-10 जो भी आएगा, उसको कौन हेड करेगा, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, अब ग्रुप सेंटर्स जो है वो, उसको भी कौन हेड करता है, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल हेड करता है। ठीक है, अब सीआरपीएफ का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर होता है, जो कि यूपीएससी से बनता है। ठीक है, और वो एक रैंक, किस रैंक का होता है, वो होता है जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक का, या फिर डिप्यूटी एडवाइज़र होता है, और उसका जो डिप्यूटी एडवाइज़र होता है वो होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, या फिर इंडियन टेलीकॉम का। ठीक है, इंडियन टेलीकॉम सर्विस और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का, मतलब जो डिप्यूटी एडवाइज़र है वो कौन होगा, तो वो होगा इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस का, या फिर इंडियन टेलीकॉम सर्विस और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का कोई अधिकारी होगा। ठीक है, तो पूरा अच्छा से इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए, हेड पर, टॉप पर कौन कौन होता है। ठीक है, अब इसके पास 243 बटालियंस है, और सब में लगभग 1200 कॉन्स्टेबल्स काम करता है। ठीक है, हर बटालियन का एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो कि एक कमांडेंट का रैंक का होता है। ठीक है, और एक कमांडेंट सात कंपनीज को हेड करता है। ठीक है, उसका हर अलग अलग कमांडेंट होता है, हर कमांडेंट में 135 आदमी होते हैं। ठीक है, ईच कंपनी, जो हर कंपनी जिसमें 135 आदमी होते हैं उसको हेड करता है असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक, तो हर कंपनी को हेड कौन करता है, असिस्टेंट कमांडेंट, और सबको मिलाकर के ग्रुप को हेड करता है कमांडेंट। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मेनली तीन रैंक कैटेगरीज होता है इसमें। ठीक है, जैसे कि पहला होता है गजेटेड ऑफिसर्स, इसको नोटिफिकेशन ला करके फिर भर्ती किया जाता है, दूसरा है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, और तीसरा है नॉन गजेटेड ऑफिसर्स। ठीक है, समझ में आ गया पूरा इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से, चलो थैंक यू, बाद में बोलना। अब हम लोग बात करते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में। तो रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो एक 15 बटालियन विंग का सीआरपीएफ के अंतर्गत काम करने वाला एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है। ठीक है, ये 1992 में बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, ताकि ये जो हिंदू मुसलमान झगड़ा होता है ना, और कुछ भी सिविल अनरेस्ट हो जाता है, मतलब ऐसे ही असामाजिक तत्व आकर नौटंकी कर देता है, तो इसीलिए ये सीआरपीएफ बनाया गया था। ठीक है,
ये बटालियंस जो है वो 99 से 105 तक नंबर्ड है, ठीक है। और 2017 में जीडी बटालियन को कन्वर्ट करके आरएएफ बटालियन, मतलब रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन में चेंज कर दिया था, ठीक है। रैपिड एक्शन फोर्स जो एक जीरो रिस्पांस फोर्स है, जो कि किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में फट से तुरंत रिस्पॉन्ड कर देता है, ठीक है। इसके पास एक अपना फ्लैग है, रैपिड एक्शन फोर्स के पास एक अपना फ्लैग है, ठीक है। कोई भी रैपिड एक्शन फोर्स में जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको बोलते हैं टीम, जो कि कमांड जिसको कमांड करता है इंस्पेक्टर। उसके पास थ्री कंपोनेंट होता है, एक होता है राइट कंट्रोल एलिमेंट मतलब दंगा निरोधी एलिमेंट होता है, एक होता है टीयर स्मोक एलिमेंट मतलब आंसू गैस छोड़ने वाला, और एक होता है फायर एलिमेंट मतलब गोली चलाने वाला, ठीक है। ये एक अलग तरीका का स्ट्राइक यूनिट बनाया गया है, ठीक है। कौन? आरएएफ। एक टीम हर कंपनी में, एक टीम जो है आरएएफ का वो एक उसमें महिला होती है, ताकि महिला महिला सिचुएशन से जो है वो डील कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप के बारे में, ठीक है। पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप जो है वो एक इलीट सीआरपीएफ यूनिट है, जिसको मेन काम क्या है, पार्लियामेंट हाउस का प्रोटेक्शन करना, ठीक है। इसके पास 1540 पर्सनल्स हैं, जो कि अलग अलग सीआरपीएफ के यूनिट से आता है। पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप जो है वो ट्रेन किया जाता है, किस में ट्रेन किया जाता है, न्यूक्लियर और बायोकेमिकल अटैक अगर हो गया तो उससे कैसे बचाव करेगा, और रेस्क्यू ऑपरेशन से कैसे बचाव करेगा, और अगर कोई रूल रूप से या उसका बिहेवियरियल मैनेजमेंट कैसे वो करेगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री हाउस जो है वो दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ आईटीबीपी और पार्लियामेंट्री सर्विस सिक्योरिटी सर्विस से मिलकर के पार्लियामेंट हाउस प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कोबरा के बारे में। तो कोबरा 2008 में एक विंग बनाया गया, जिसका नाम दिया गया कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन कोबरा, ठीक है। ये सीआरपीएफ के अंतर्गत ऐड किया गया, ताकि ये नक्सलाइट मूवमेंट जो भारत में बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में चलता है उसको ये गोली मार सके, मतलब उसको ख़त्म कर सके, ठीक है। ये सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत जो सीआरपीएफ है, ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, ठीक है। ये गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर पता ही आपको, नक्सली वाला बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। इसको ऐसा ट्रेन किया जाता है कि ये नक्सल वाले को पकड़ सके, उसको मार सके और उसको हटा सके अपने एरिया से, ठीक है। ऐसे ही रूप में ये ट्रेन किया गया है। फिलहाल 10 कोबरा यूनिट है भारत में, ठीक है। जो 10 कोबरा यूनिट है उसको ट्रेन किया गया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से लड़ने के लिए, जो कि नक्सली नॉर्मली हो गया, ठीक है। और नक्सली मेनली कहाँ पर है, तो मेनली वो है छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि आसाम और मेघालय में भी, ठीक है। ये कोबरा वहाँ पर काम करता है। तो कोबरा जो है वो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का, जो कि जंगल में काम करता है, और वहाँ पर वो ट्रेन किया जाता है जिससे कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके, वहाँ लड़ सके और जीत सके। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। कौन? कोबरा, ठीक है। सेंट्रली आर्म पुलिस फोर्स में वन ऑफ द बेस्ट ही कोबरा आता है। तो कोबरा जैसे हम बताएं कि अनक्वेश्चनेबली ये बिना किसी शक के वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस है पूरे इंडिया में, ठीक है। कोबरा को कुछ अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि है 4 शौर्य चक्र मिला है, 1 कृति चक्र मिला है, 1 पीपीएमजी मिला है, 117 पीएमजी मिला है, और 1267 डीजी कमेंडेशन डिस्क मिला है, और यहाँ तक कि 31 पर्सनल जो है वो एक्शन में ऑपरेशन में मारा जा चुका है कोबरा का, ठीक है, पर्सनल्स। तो अगर ये आपको वीडियो यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं, अगर हमको यहाँ तक आप झेल चुके हैं, और अगर आपको झेलना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस पर कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।